संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं स्किन से जुड़ी एक ऐसी बीमारी की जिसका अगर सही ढंग से इलाज ना हो तो वो ठीक नहीं होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आपकी त्वचा से जुड़ी बीमारी एक्ने की। अगर आपके चेहरे पर मुहासों जैसे ढेर सारे दाने गुच्छे की शक्ल में हो और बहुत दिनों तक बने हुए हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बीमारी आपके पूरे चेहरे को खराब कर सकती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्यों होता है एक्ने। साथ ही संजीवनी टिप्स में आप जानिए इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी से छुटकारा पाने के टिप्स। एक्ने स्किन का एक डिसऑर्डर होता है जो मुहासों का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि एक्ने होने की वजह क्या होती है। देखिए, वजह इसकी मुख्य रूप से वजह जानने से पहले थोड़ा मैं समझा दूं आपको कि हमारी जो त्वचा है उसमें कुछ छिद्र होते हैं और छिद्र में से हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। कई बार थोड़ा ऑयल भी जो हमारे नीचे ग्लैंड्स में होता है वो निकलता रहता है। लेकिन अगर ये छिद्र ब्लॉक हो जाए किसी भी कारण से तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले वहाँ पर आपको वो जो ब्लैक हेड्स बोलते हैं, जिनको ये वाइट हेड्स बोलते हैं, वो आपको पहले नजर आएंगे। उसके बाद आपको पिंपल्स वहाँ पर निकलनी शुरू होंगी। लेकिन अगर जो टॉक्सिन्स हमारे त्वचा के नीचे छिद्र के नीचे वहाँ कोई गांठ टाइप की बना दें, नोड्यूल वहाँ पर बना दें, तो उसको हम लोग एक्ने बोलते हैं। कभी कभार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, हार्ड हो जाती है गांठ और उसमें पस भी निकलने लगता है। अब कारणों की बात करें, क्या कारण उसके हो सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पित्त और कफ वर्धक भोजन आप खाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, मिर्च मसाले अचार खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फूड जिनको कि हम तला हुआ मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाई इत्यादि का सेवन ज़्यादा करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ये तमाम चीज़ें, या गर्मी चीज़ों में और बहुत भी आती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत कोई स्मोकिंग वगैरह तम्बाकू का सेवन करते हैं, हीट बढ़ाने वाली चीज़ें। दूसरा, कुछ लोगों में हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिपेशन अगर है, जिनको कब्ज रहती है, तो कब्ज केवल पेट का ही जो है टॉक्सिन्स को नहीं निकालती, काफ़ी सारे और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के सब उस मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो अगर हमें कब्ज है तो उसके कारण भी हमारे टॉक्सिन्स त्वचा में बॉडी में कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। महिलाओं में मुख्य रूप से देखा गया है कि मानसिक जो मासिक धर्म उनका होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसके साथ भी इनका कनेक्शन देखा गया है। कई बारी अगर पीरियड्स थोड़े डिले हो जाएं तो एकदम से जो है एक्ने पिंपल्स चेहरे पर निकल आते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस हम कहें कि हार्मोन्स का अगर बैलेंस ठीक नहीं है उसके कारण भी हमारे चेहरे पर ये एक्ने पिंपल्स होते हैं। और कई प्रकार के इन्फेक्शंस हमारी त्वचा में हो जाते हैं, वो भी एक कारण है। और आम तौर पर यह भी देखा गया कि कुछ लोग कुछ ऐसी औषधियां, कोई दवाइयां खा रहे हैं जो गर्मी करती हैं शरीर के अंदर, उसके कारण भी ये रोग हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश है आजमगढ़ से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हाँ जी दी, फास्ट जैसे ना अभी फास्ट चल रहे थे ना, फास्ट रखा हुआ था तो ना आलू खा के ना पेट में दर्द सा हो गया है 2 दिन से। देखिए, फास्ट जो है वो खाने के लिए थोड़ी होता है। फास्ट जो होता है वो इसलिए होता है कि हम शरीर का शोधन करें। बड़ी अजीब सी बात है कि आजकल जो है फास्ट जब रखते हैं लोग, फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, तो ज़्यादा खाते हैं। और आलू क्यों खाते हैं मेरे को समझ नहीं आता। आलू तो बहुत हैवी होता है, आलू तो ऐसे ही उसमें इतना स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, वो तो देर से पचता है, तो सारा पर्पज़ हमारा ख़राब हो जाता है। अब तो मैं देखता हूँ कि स्पेशल थाली मिलती है उसके लिए, आपको व्रत वाली थाली हर हर जगह मिलती है वो। तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। केवल आध्यात्मिक रीजन ही नहीं है, उसके साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी होती है उपवास के साथ, तो उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आपका शरीर ही शुद्ध नहीं होगा तो मन भी शुद्ध नहीं होगा, और आध्यात्मिक कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। क्योंकि आध्यात्मिक फ़ायदा तभी मिलता है जब हम शरीर को थोड़ा सा संयम में रखें, थोड़ा कंट्रोल रखें, और दूसरी भाषा में अगर कहें, जो हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहें, कि थोड़ी सी ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या। तपस्या का मतलब होता है कि जब आप भूखा रहें और किसी भी भगवान के लिए, जिसके लिए भी आप जो व्रत करते हैं, तो उसको आप एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके लिए, देखिए मैं कुछ तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे आप अपने चरणों में शरण दें। ऐसा ही इसका आध्यात्मिक उसका मतलब होता है। लेकिन अगर सुबह से ही खाना शुरू कर दें, और मैंने देखा कि जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो बल्कि और दिन से ज़्यादा खाते हैं, तो पेट दर्द तो होगा ही। क्यों नहीं होगा पेट दर्द? ज़्यादा खाने से पेट दर्द होता है। तो मैं इसमें कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैंने बताया कि जब भी आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, चाहे रिलीजियस पर्पज़ से करें, चाहे शोधन के पर्पज़ से करें, उसमें कोशिश करें कि
ऐसी हैवी चीजें ना खाएं। अगर आपको खाना ही है कुछ तो कुछ फ्रूट्स खाइए, आप सलाद खाइए या सब्जियां उबाल करके थोड़ा सा उनका सूप बना लीजिए, बस इतना ही करिए। आमतौर पर मुहासे जहां बिना किसी विशेष उपचार के किशोरावस्था के साथ खुद ठीक हो जाते हैं, वहीं एक्ने के साथ ऐसा नहीं होता है, जिससे चेहरे की खूबसूरती में कमी आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक्ने की बीमारी क्या अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी होती है? देखिए, आयुर्वेद में तो हम नहीं मानते इसको। आयुर्वेद में मुख्य रूप से लिखा गया है कि अगर आप जो है, अगर प्रॉपर खान पान आपका नहीं है, आहार विहार गलत है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा आप स्किन केयर नहीं करते हैं प्रॉपरली। स्किन केयर से क्या मतलब है? कभी त्वचा को आप अच्छी तरह से देखभाल उसकी नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे, नहीं जी हम तो रोज क्रीम लगाते हैं, और क्रीम में क्या है ये आपने कभी देखा नहीं, उसमें क्या केमिकल डाला हुआ है, कितना वो आपको फायदा करता है, नुकसान करता है। बहुत सारे आजकल ऐसे उत्पाद हैं जो केमिकल बेस्ड हैं। हमारे यहाँ पर पुराने समय से आपने देखा होगा कि हल्दी लगाएं, बेसन लगाएं, मसूर की दाल का आटा लगाएं। आयुर्वेद में स्किन केयर का मतलब होता है कि वो चीजें लगाएं जो आप मुंह से भी खा सकते हैं, क्योंकि आपकी त्वचा भी खा रही है, उनको अंदर ही जा रहा है वो, तो हमारे छिद्रों के माध्यम से वो चीजें सब अंदर जाती हैं। तो आपको स्किन केयर प्रॉपर करनी चाहिए, नेचुरल तरीके से करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि अपने स्ट्रेस लेवल को आपको ठीक रखना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव से भी आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक है गाजियाबाद से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को मेरे जो क्वेश्चन है वो मेरे फादर के लिए है, उनको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम? जी कोई दो ढाई साल से है शायद। अच्छा, और खांसी भी आती है उनको? जी हाँ, खांसी भी रहती है उनको। अच्छा, तो उनका प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम अभी इस मतलब एक जगह स्थिर है या बढ़ता जा रहा है, और या कैसा है कंडीशन उनकी? ऐसा है कि उनको जैसे थोड़ा सा भी धुआं आता है तो उसके लिए उनको खांसी शुरू हो जाती है उससे। अच्छा, धुएं से एलर्जी उनको हो जाती है एक तरह की? हाँ, तो देखिए कई बार जब हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं एज के साथ भी, या कुछ लोग ज्यादातर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तम्बाकू गुटखा खाते हैं, तो उनका जो है फेफड़ा कमजोर हो जाता है। किसी किसी के बच्चों में भी मैंने देखा है, छोटे बच्चों में भी एलर्जी होना, सांस फूलना, उनके जन्म से ही फेफड़े वीक होते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे यहाँ च्यवनप्राश आता है, जीवा का च्यवनप्राश आप रेगुलरली खाएं, उनको बताइए रोज एक बड़ा चम्मच भर के सुबह खाएं। साथ में जो है सौंठ का चूर्ण प्रयोग करें, सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाट लें, उससे उनको रिलीफ मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि दो ढाई साल पुराना रोग हो गया है, तो एक तरह से श्वास रोग हम इसको कहेंगे, अस्थमा जिसको कह देते हैं अंग्रेजी में, तो श्वास रोग का आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन भी है, बहुत अच्छी चिकित्सा भी है। कितने सारे पेशेंट अस्थमा के, दमे के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये मान लेते हैं कि अब दमा हो गया तो ठीक नहीं होगा। एक पुरानी कहावत है कि दमा जो है दम के साथ ही जाता है, ऐसा पता नहीं किसने कहा है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, एक लास्ट स्टेज में आपका रोग पहुंच जाए कि बिल्कुल अब फेफड़ा बिल्कुल ही खराब हो चुका है, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आपका रोग जो है अभी ऐसा है कि अभी वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचा है, और अभी आप जो है अपना काम चला रहे हैं किसी प्रकार से औषधि के द्वारा, दवाई के द्वारा, तो फिर आयुर्वेदिक उपचार जरूर कराइए। आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी औषधियाँ हैं दमे के लिए, अस्थमे के लिए, या और भी फेफड़ों के रोग हैं। कई बार लोग कहते हैं जी फेफड़े के अंदर जो है कुछ अंदर सूख गया है, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, या कैल्सिफिकेशन हो गया, ऐसे ऐसे शब्द आपने सुने होंगे डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ देते हैं कि अंदर जो चीज़ सूख गई है उसको कैसे दोबारा से हम थोड़ा लुब्रिकेशन वहाँ पैदा करें, ताकि लंग्स दोबारा से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उनकी चालू हो जाए, उनमें शक्ति दोबारा से आए। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा बड़ी साधारण है, सिंपल है, और बिल्कुल एक सिद्धांत के ऊपर हम कार्य करते हैं, और हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। एक और जहां पर एक्ने चेहरे की खूबसूरती कम कर देता है, तो वहीं ये उम्र बढ़ने के साथ साथ गहराते भी जाते हैं, तो ऐसे में हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो खाने में हम कौन से ऐसे पोषक तत्व रखें जिससे कि इस बीमारी से छुटकारा पा सके? खाने में देखिए विटामिन सी अच्छा काम करता है, तो नींबू का सेवन करें, संतरे का सेवन करें, मौसमी का सेवन करें। इसके अलावा कई अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जैसे तरबूज है, टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं, गाजर का सेवन करें, इनमें अच्छे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे
त्वचा को भी ठीक रखते हैं और एक्ने पिंपल्स वगैरह को नहीं होने देते हैं। इसके अलावा छाछ बहुत अच्छी है, छाछ का सेवन करें, कूलिंग भी होती है, पाचक भी होती है। अखरोट का सेवन आप करें, सेब आप खाइए रेगुलरली, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और अपने भोजन में कोशिश करिए कि फाइबर वाली चीजें आप ज्यादा खाएं, फाइबर वाली चीजें खाएंगे तो पेट आपका साफ रहेगा, टॉक्सिन्स आपके बॉडी में जमा नहीं होंगे। अक्सर सुनने में आता है कि चेहरे पर लगाए जाने वाले क्रीम और कॉस्मेटिक चेहरे पर तो एक्ने को तुरंत हटा देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोबारा निकल जाते हैं। तो आयुर्वेद में एक्ने से जुड़े भी कोई समाधान है यार? देखिए बिल्कुल, आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे समाधान है, बल्कि हमारे पास तो जब लोगों को कुछ भी फर्क कहीं से नहीं पड़ता तो आयुर्वेद में बहुत लोग आते हैं एक्ने पिंपल्स के, और हमारे पास बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत समय भी नहीं लगता, क्योंकि आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो केवल लोकल एप्लीकेशन में हम बिलीव नहीं करते। आपने कोई चीज लगाई, थोड़ा सा वो वहां पर जो गांठ बनी थी या जो था वो थोड़ा ठीक हुआ, दब गया, लेकिन कॉज तो है अंदर। अभी हम लोग तो बार बार आपको समझाते हैं कि हमेशा जो है रूट कॉज को हमें जरूर समझना है और उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो इसलिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा चिकित्सा है। आयुर्वेद में हम लोग शोधन करते हैं, पंचकर्म चिकित्सा कराते हैं, औषधियां देते हैं जिससे कि आपका रक्त की शुद्धि होती है, खून साफ होता है, आपके जो त्वचा के अंदर कहीं पर भी कोई चीज़ ब्लॉक हो गई है उसको साफ करने के लिए कई प्रकार के हम लोग उपटन बनाते हैं। हमारे यहाँ भी क्रीम्स बनाते हैं लेकिन वो टोटली नेचुरल बेस्ड होती है, टर्मरिक क्रीम होती है, ऑलिव क्रीम होती है, गाजर की क्रीम बनती है, इस प्रकार से अनेक जो तत्वों का नेचुरल मिश्रण करके उनसे हम कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट काफी बनाते हैं। जीवा में हम लोग कई चीजें बनाते हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे तो आपको जड़ से रोग जाएगा, लेकिन साथ में हम खाने वाली भी जो है इंटरनल मेडिसिन जरूर देते हैं। जब भी कोई त्वचा का रोग है वो केवल लगाने से नहीं जाएगा, लगाने के साथ साथ आपको खाने वाली दवाई भी लेनी चाहिए, और उसके लिए अधिक परामर्श आप कर सकते हैं हमारे जीवा के डॉक्टर्स के साथ। आपका खूबसूरत चेहरा एक्ने की वजह से कहीं बदसूरत न बन जाए, ऐसे में क्या वो घरेलू उपाय करें जिनका इस्तेमाल कर आप एक्ने से बच सकते हैं? और अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एक्ने को लेकर क्या है आज की संजीवनी। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें घर में होती हैं, ताजा धनिया आपको मिलता है बाजार में, ताजा धनिया का थोड़ा पेस्ट बनाए, उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके अच्छा आपका एक नुस्खा बन जाता है, उसको आप वहाँ लगाएं एक्ने पिंपल्स पर तो फायदा होगा। ताजी चीज है, नेचुरल चीज है, कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बढ़िया अच्छी चीज है। जायफल घर में होता है, उसको थोड़ा घिस के उसका पेस्ट लगा सकते हैं, वो भी अंदर पेनिट्रेट करेगा, छिद्रों को ओपन करेगा और वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जैसा हमने कहा कि कब्ज नहीं होनी चाहिए, पेट ठीक रहना चाहिए, तो एक चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रात को सोते समय इंटरनली खाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। नीम का पेड़ अगर कहीं है आसपास तो नीम के पत्ते पीस करके उसका लेप भी आप लगा सकते हैं, नीम एक बहुत अच्छी चीज है। और संतरे के छिलकों को आप फेंकिए मत, संतरे के छिलकों को या तो सुखा करके पाउडर बना लीजिए या ताजा भी उनको पेस्ट बना करके लगाएंगे, उससे भी आपके एक्ने ठीक होते हैं। तो डॉक्टर साहब से अब जान लेते हैं कि एक्ने से बचने के लिए किन किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। परहेज तो देखिए जो मैंने कारण बताए, पित्त और कफ, यानी कि चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करना, बहुत मिठाई खाना, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खाना, इनको नहीं खाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि पॉल्यूशन आज बहुत है, पॉल्यूशन से कई बार हम नहीं बच पाते, तो हमें अपने स्किन की रेगुलर केयर करनी चाहिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल आप आयुर्वेदिक कुछ ऐसी चीज़ें प्रयोग करें लगाने के लिए, उबटन हैं, क्रीम्स हैं, ऑयल्स हैं, कई चीज़ें हैं हमारे पास, उनका रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आपका जो है रोग भी आपका दूर रहेगा, त्वचा आपकी जो है सुंदर और स्वस्थ बनी रहेगी। बिल्कुल जी, नी टिप्स की जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं इनडाइजेशन से छुटकारा पाने के खास टिप्स। तो डॉक्टर साहब क्या है आज के संजीवनी टिप्स? देखिए इंडाइजेशन बड़ी कॉमन सी चीज है, बदहजमी, यानी कि कोई खाना आप खाते हैं प्रॉपर पचता नहीं है, फिर गैस बनती है, पेट में अफारा आ जाता है, डकारें आती हैं, मोशन क्लियर नहीं होता, तमाम चीजें बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। मैं देखता हूँ आम तौर पर लोग शिकायत करते हैं कि बाहर मैंने कुछ खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया उससे। तो इसको दूर करने के लिए बहुत सिंपल चीजें और बहुत कारगर चीजें हैं, आपके घर में भी हैं, आपके किचन में हैं, उनको जरूर प्रयोग करिए। सौंठ का चूर्ण आप लीजिए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, गुनगुने पानी से लीजिए, या छाछ अगर आप पीते हैं तो छाछ में मिला करके भी उसको ले सकते हैं, उससे आपका पाचन अच्छा रहेगा। एक और बहुत सिंपल सी चीज़ है, सौंठ, जीरा, धनिया और अजवाइन,
एक एक चम्मच एक लीटर पानी में उबाल लीजिए, और ये जो एक लीटर पानी है इसको आप अपने साथ रखिए बॉटल में, अगर गर्मी का मौसम है तो बॉटल में भर के रखिए, सर्दी है तो थर्मस में भर के रखिए, और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके उसको पीते रहिए, उससे भी आपका पाचन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपके पास उपलब्ध है, घर में भी उपलब्ध है, आमतौर पर मिल जाती है, सौंफ। सौंफ का प्रयोग आप करिए, खाना खाने के बाद आप सौंफ खाएं एक चम्मच चबा करके अच्छी तरह से, तो वो भी आपके पाचन को इम्प्रूव करती है। और पपीता आप खा सकते हैं, पपीता मिलता है बाजार में, पपीता भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन को भी ठीक करता है और पेट को साफ भी करता है। और बढ़िया छाछ बनी है घर में, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग वगैरह डाल के आप लें, वो बहुत बढ़िया है। काली हरड़ होती है, काली हरड़ को घी में भून के उसका पाउडर बनाइए, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ हींग मिलाइए उसमें, बहुत बढ़िया चूर्ण आपका बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने की आपको ज़रूरत है, केवल सुनना नहीं है, सुन करके प्रसन्न नहीं होना है कि बहुत अच्छे नुस्खे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको प्रयोग करिए। और कहीं पर आपको अगर और ज़्यादा हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं, उनसे ज़रूर बात करिए।